हमें ऑटो मिला है अपने भाई का। संदेश जाने कौन सा देश जाने चले गए। विशाल भाई, और क्या नाम था भाई आपका? कांच भाई। ऐसे भाई मिलने चाहिए कहीं ना कहीं। मेरी दोनों गर्म हो चुकी थी बहुत ज्यादा, तो भाई ने पानी पिला दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 बजने ही वाले हैं, 10 मिनट रह गई। तो मैं और साविस भाई निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि कल रात तो आप लोगों को पता ही था कि हमारे साथ क्या हुआ था। दल्लों की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से नहीं जा पाएगा। बट बहुत ही भला हो ऐसे इंसान का जो इमरान भाई जैसे हमारे दोस्त हैं, उनके होते हुए हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। मैं और साविस भाई हो गए थे, रात को इतना मज़ा आया, बस थोड़ी देर बातें आते करी 1-1.5 बजे तक, उसके बाद हम सो गए थे। तो मेरी आँख में थोड़ा दर्द था, इस वजह से मैं ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया रात में। तो चलिए अब अपने सफ़र को तय करते हुए हम सीधा घर जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते आगे देखने को मिलते रहे। गर्म हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो भाई ने पानी पिला दिया। और ये है पहाड़ी फास्ट फूड, और हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, नाश्ता करके जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा कुछ ऐसा है, ट्रेवल ब्लॉग है। अब हम सीधा घर पे रुकेंगे, बीच बीच में रुकेंगे, वो भी अपनी धंधों की वजह से। कैसी लगी चाय? बहुत अच्छी लगी भाई। तो एक चाय और दो रस खा लिया हमने और आंटी की दुकान पे, चलिए फिर चलते हैं। ये पहन लेता हूँ। हेलो भाई, तुम्हारे हाथ काले हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो मैं भी नीचे कर लूँगा अभी। अभी हमने आधा सफ़र तय किया था, लेकिन हमारी धन्नो इतनी गर्म हो गई एकदम से, तो इसका अभी तक फीवर गया नहीं। और ये इसके लिए दोबारा से मैंने बोतल भर ली, तो रुक रुक के कहीं रास्ते में फिर डालते रहेंगे। स्टार्ट करो। हो गई हमारे ब्लॉग देखने के बाद लोग भाई सोचते होंगे यार इनको कोई काम धाम नहीं है क्या? भाई यही हमारा काम है, ठीक है, आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी जगह एक्सप्लोर करना और घूमना फिरना। भाई हमें सबसे मेन अच्छा लगता है घूमना फिरना, और हमने सोचा कि यार जब हम घूम ही फिर रहे हैं तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए, है ना। हमारे पास अच्छा फ़ोन है, अच्छी एडिटिंग आती है, अच्छे दिखने में भले ही ना हो अच्छे दिखते हैं। चलो कमेंट में बता दे रहे भाई अगर कह रहे हो तो। तो गाइस बंद तो नहीं हुई, बट ये देखो धुआं देखो कैसे निकल रहा है भाई, तो आप समझ सकते हो इसके फ्यूल पंप पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये कैसा लग रहा है साविस भाई यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, और एक नया एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ। जहाँ भी हम जाते हैं ना भाई, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता ही रहता है हमारे साथ। जहाँ भी अभी तक हम गए ना, आगरा गए, मसूरी गए, धनोल्टी गए, सब जगह मज़े आया बस। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा यार हमारे साथ ही क्यों होता है, हम तो ये सोचते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं भाई, किस्मत को दोष मत दो यार, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, ये सोचो। ऑल इज़ वेल। अभी इस वक्त टाइम क्या हुआ है, तो 9:30 हो चुके हैं। एक चीज़ सोची हमने सोचा कि यार क्यों ना किसी से हेल्प ली जाए। हम एक रस्सी लेंगे, और रस्सी को हम जो कोई हमारी हेल्प करेगा, किसी लड़की से मत लेना, ठीक है। चलो फिर देखते हैं लेके। तो भाई धनों की हेल्प करने के लिए आ गए दो बंदे। भाई बहुत गर्म हो रहे यार, क्या कह रहे? दो भाई आए हमारी हेल्प कर दी यार इन्होंने, अब रस्सी तो ढूंढो तुम जल्दी।
ये देखो रस्सी लेने जा रहे हैं इनको डबल टिपल कर लेना अच्छे से नेपाली फार्म तक, तो वहाँ से तो मैकेनिक के पास छोड़ देंगे वहाँ रास्ते में। ठीक है, तो पार करते मिल जाएंगे मैकेनिक को, लेकिन उनके पास ये नहीं मिल पा रहा। अरे वारंटी में घर जाके सही हो जाएगा। कहाँ डॉक्टर भाई, टूट जाएगी ऐसे यार, ये सही है। अरे स्कूटी का ही बेकार यार, स्कूटी नहीं सकते। बांधो इसे, बांधो बढ़िया कर। मजा आ रहा है ये देख लो भाई, एक से एक एडवेंचर कर रहे भाई साहब। ये आ चुका है नेपाली फार्म, और भैया को जाना, इसी के जाना भैया को, तो और हम हरिद्वार जाएंगे। ठीक है विशाल भाई, और क्या नाम था भाई आपका? आकाश भाई, ऐसे भाई मिलने चाहिए कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच भाई। कुछ लोगों की वजह से सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए गाइस। फाइनली हरिद्वार तो पहुंच चुके हम, और अब बारी आती है फिर घर पाए कैसे पहुंचेंगे, सेम प्रॉब्लम। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब निकल गए फिर से हम। नींद आ रही है, मैं भी तीन भैया मिले थे, बोल रहे थे पेट्रोल खत्म हो गया यार था, वो दे रहे थे उनके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल था, तो मैंने कहा भाई मैं पेट्रोल की जरूरत नहीं है, बस हेल्प की जरूरत है। तो भाई स्कूटी में धक्का मार रहा था भाई, जाने कौन सा देश जाओ चले गए। काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम दोबारा कोशिश करते हैं। जान निकाल दिया यार इसकी, बिल्कुल मैं कुछ बचा ही नहीं हूँ। पहले वाला बना रहा था, अभी बना रहा था भैया, इतने टाइम नहीं लगता। अब आप आए पीछे पीछे ग्राहक आ गए। तो हमें ऑटो मिला है अपने भाई का, रोशनाबाद में ही रहते हैं, तो उन्होंने भाई ने हमें हेल्प दी है, काशिद भाई बोरे, और हम पहुंच चुके हैं अपने शिवालिक नगर। ये पता है क्यों है मेरे, ये देखो हाथ में दर्द होने लग गया, मैंने रस्सी पकड़ रखी थी और मैं बैठा हुआ था, टूट भी गए, रस्सी भी टूट गई है, देखो एक रस्सी टूट भी गई, एक ही बची है। तो फाइनली सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं हम, ये देखो, और अब हमारी धन्नो अंदर है, एडमिट करवा दिया इसको, शाम में 5 बजे आ जाए फिर है। तो भैया ने बोल दिया, अंदर बात हो गई हमारी वहाँ पे, बोल रहे थे कि शाम में 5 बजे आके ले जाओ, उसका फ्यूल टैंक चेंज हो जाएगा, और अब हम चलते हैं घर, घर वाले हमारा वेट कर रहे हैं। तो भाई अब गाड़ी हमने छोड़ दी है सर्विस सेंटर पे, और अब जा रहे हैं हम घर। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle.